गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था ना, तो कंप्यूटर सिस्टम में दो कंपोनेंट्स थे हमारे, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको। एक कौन सा था? हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो कल हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था आपको, तो चलिए हार्डवेयर के बारे में देख लेते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, डेफिनेशन मैंने कल भी बताई थी, पता है किसी को? आप बताओ, आए नहीं थे आप कल? चलो वैसे ही बता दो, हार्डवेयर के बारे में तो फिर भी पता होगा। बताओ हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर ये वो फिजिकल पार्ट जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, हार्डवेयर में डिवाइसेज आ जाते हैं। वन मिनट। यस सर। हाथ लगा सकते हैं क्या? समझे तो भैया ठीक है। तो हार्डवेयर में दिया है हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो चार यूनिट हो गई हमारी हार्डवेयर में भी, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर में हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो कल हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के अगर कंपोनेंट्स की बात करें हम, सबसे पहले हमारा आता है इनपुट डिवाइस, जैसे कि आप सब जानते ही हो। उसके बाद आउटपुट आता है, नहीं हमारा स्टोरेज, और फिर प्रोसेसिंग, ठीक है जी। अब मैं इनके बारे में आपसे पूछने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें हम इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? पीछे आप खड़े हो जो, क्या नाम है बेटा, क्या कर रहे हो? ये लिख रहे हो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे ही बताएंगे आपको तब लिखना है। क्या नाम है आपका? सारिक। चलो बताओ इनपुट डिवाइस का क्या यूज होता है कंप्यूटर में? कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, हम क्लास 8 में भी, 6 में भी, 3rd से पढ़ रहे होंगे ये चीजें। आपको पता है कुछ? आप बताओ क्या नाम है आपका? अजय। तुम तो आज ही आए हो ना, कितने दिन से नहीं आ रहे थे, मैंने फोन किया था कल, जो नहीं आ रहे थे स्टूडेंट्स। और कौन है जो नहीं आ रहे थे? इसके घर फोन गया था, मैंने इसलिए किया था क्योंकि स्कूल वाले बोल रहे थे कि बच्चे नहीं आ रहे। बाकी मैं कंफ्यूजन में था कि छुट्टी ना हो जाए, फिर मैं फोन करा, फिर भी मैंने किया, चलो कोई बात नहीं। आप बताओ इनपुट डिवाइस का क्या यूज होता है? नहीं पता है, आप बताओ क्यों? सिंपल, मोबाइल नहीं यूज करते आप पर डे? मैं उससे पूछ रहा हूँ, इसको नहीं पता जी। आप बताओ, बता बेटे। अच्छा हंसिका, सर इनपुट होता है तो फोन के अंदर ऐप्स होती है? नहीं, इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं हम, यूज क्या होता है इनका, व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट डिवाइस? सर किसी भी चीज का इनपुट करना, वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को मतलब थोड़ा वे में होनी चाहिए डेफिनेशन। चंचल बता बेटे, नहीं बता तुम बताओ। कंप्यूटर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या फिर कोई कमांड देने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। का यूज भी है, जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जैसे हमें अपना नाम लिखना है कंप्यूटर में, तो हम कीबोर्ड से ही लिखेंगे ना, तो हम कीज प्रेस करेंगे, चाहे मोबाइल से लिख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर लिख रहे हैं।
तो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया, इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या फिर कमांड कह लीजिए, तो इनपुट डिवाइस का यूज यही होता है, माउस हो गया आपका, या फिर आप कभी कभी स्कैन करते हो जैसे कि मैम मेरा असिस्टेंट मेरी क्लास चल रही है, तो कभी कभी जैसे कि हम स्कैन भी करते हैं, पेटीएम वगैरह हम चलाते हैं, पेटीएम देखा हम चलाते हैं, तो हम अगर हम क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करने के बाद उसको स्कैन करके इनपुट ले लेता है और फिर उसी हिसाब से वो वर्क करता है, पे करना है किसी को, पेट्रोल पंप पे होता है जैसे मोस्टली पे करते हैं, तो यही वर्क होता है इनपुट डिवाइस का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चाहे मोबाइल फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है, कोई मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में ही यूज हो, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्रोग्राम देने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए बैठिए, नेक्स्ट हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का आपको पता ही होगा क्या यूज होता है, आउटपुट डिवाइस का आप बताएंगे मुझे, आउटपुट डिवाइस का क्या यूज होता है, खड़े हो जाओ, बात से तो बहुत कर रहे हो तुम। यस सर। हाँ सर, जो डिवाइस सर आउटपुट देता है सर, जैसे सर हमने सर इनपुट दे दिया सर, जो फिर सर वो प्रोसेसिंग होगा सर, जो होगा वो आएगा रिजल्ट। अभी बोला ना सही, प्रोसेसिंग के बाद जो मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिलता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, एक भाई हमने कोई कमांड कंप्यूटर को दी है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, जैसे कोई भी नाम लिख रहे हैं तो जब आप प्रेस करोगे की को प्रोसेसिंग होगी, जैसे प्रेस किया इनपुट होगा फिर वो उसको दिखाएगा, प्रोसेसिंग के बाद डिस्प्ले करेगा, यानी कि जो मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइस का यूज होता है रिजल्ट को शो करना, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस का क्या काम होता है आप बताइए जरा। हाँ स्टोरेज जो सर हमारे फोन में होती है, फोन में ही होती है सर, अच्छा अच्छा। स्टोरेज का काम होता है, जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है वो उसमें मोबाइल में भी होती है कंप्यूटर में भी होती है, इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, उसको जब भी आवश्यकता पड़े उसी हिसाब से उसको शेयर कर देते हैं, तो स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है मोस्टली इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखना, सेव करके रखना। नेक्स्ट दिया है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है जिससे पूछो तुम बताओ। जो हमने इनपुट दिया है कोई भी डाटा अगर हमने इनपुट दिया है उसको सोल्व करने के लिए कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस करता है, जो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसे जो वर्क हो रहा होता है उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये फोर डिवाइसेज होते हैं हमारे पास, सो डाउन प्लीज, इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग, आगे पीछे कर लीजिए। तो इनपुट में हमारे कीबोर्ड माउस आ जाते हैं, आउटपुट में हमारा क्या जाता है मॉनिटर है प्रिंटर स्पीकर्स, ये सब आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस में ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी मेमोरी रैम रोम, उसके बाद हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम और रोम आते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड डिस्क आएगी, पेन ड्राइव आ जाएगी, और आपका अभी वो चलती नहीं है सीडीज वगैरह, तो इतना खास यूज नहीं होता है सीडी का, ये फ्लॉपी तो बहुत गुजरे जमाने की बात होगी, फ्लॉपी कोई चलाता नहीं है, मोस्टली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव यूएसबी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखो आजकल तो मोबाइल फ़ोन में पहले चिप लगती थी, अगर हम कोई भी डाटा स्टोर करते थे म्यूजिक वगैरह वीडियोज़ वगैरह फ़ोटो वगैरह, तो पहले हम मोबाइल में क्या करते थे चिप लगाते थे, लेकिन आजकल क्या है मोबाइल की स्टोरेज इतनी ज़्यादा आने लगी तो चिप तो आपको देखने को अब नहीं मिलती है अधिकतर, मोस्टली चिप को बिल्कुल फिनिश ही कर दिया गया, ख़त्म ही कर दिया गया है। इसके अलावा बस यूएसबी का ज़्यादातर यूज़ होता है पेन ड्राइव का डाटा रखने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो लोग क्या करते हैं हार्ड डिस्क ले लेते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इतनी सी आती है वो, और काफ़ी इनकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है 1 TB तक हो जाती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग में आ जाता है हमारा CPU। CPU समझ रहे हो ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें भी वैसे 3 पार्ट्स होते हैं, अगर इस बुक में आगे दिया होगा तो आपको उसका एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे इसने दिया क्या है, आगे इसने दिया है कि वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ये आप देख लीजिए कि कंप्यूटर हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोस्टली हमारे रूम में जो फैंस लगे हैं ये भी उसी हिसाब से वर्क करते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं कि कैसे वर्क होता है कंप्यूटर। सबसे पहले
हमारे यहाँ 3 स्टेप में कंप्यूटर वर्क करेगा। पहला स्टेप हमारा इनपुट होता है, ठीक है भाई, दूसरा हमारा प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस ले लीजिए इसको, तीसरा हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया, सपोज दैट मान लीजिए मैंने उसको बोला कि आप 2 × 2 कर दीजिए, तो मैंने उसको यहां पर ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, मैं यही इनपुट में यही डाल दूंगा कीबोर्ड से या फिर किसी माउस से भी अगर लिखेंगे स्क्रीन पे सिलेक्ट करके जैसे हम अपने मोबाइल फोन में लिखते हैं, तो क्या होगा, हमने इसको इनपुट दिया, ध्यान से देखिए ये आईपीओ साइकिल होती है हमारी कंप्यूटर की, कोई भी पूछ लेता है 3 स्टेप्स आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो जैसे मैंने इनपुट किया कंप्यूटर को 2 × 2, तो क्या करेगा कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग में डाल देगा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली वैसे तो डालता है सबसे पहले ये मेमोरी में, लेकिन शॉर्टकट तरीके से बता देते हैं थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ से जब कंप्यूटर में कोई भी चीज डालते हैं तो सीधा ये रैम में जाती है, ठीक है, रैम, रैम होती है टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी, जैसे ही कंप्यूटर बंद तो जो आपने उसमें डाला वो खत्म हो जाता है, अगर आपको परमानेंटली फाइल को सेव रखना है तो वो स्टोर होता है सीधा हमारा हार्ड डिस्क में, नहीं तो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हमारी रैम होती है, तो रैम में जाएगा सीधा, यहाँ से डायरेक्ट रैम इसको भेजेगी सीपीयू के पास, सीपीयू मतलब हमारा ये होता है प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ जाएगी प्रोसेसिंग हो जाएगा √4, ऑटोमेटिकली रिजल्ट को कैलकुलेट करके रख लेगा सीपीयू अपने पास इसको। फर्स्ट स्टेप हमारा इनपुट हो गया, हमने इनपुट किया, सेकंड स्टेप में ये जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। अब सीपीयू में भी हमारी 3 यूनिट्स होती है, ठीक है भाई, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारी जो सीपीयू में ही लगी रहती है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस होती है, अगर डाटा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो सीपीयू उस डाटा को, देखिए ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाटा है, इसको डायरेक्ट सीपीयू, एक यूनिट होती है सीपीयू में ALU, उसको दे देगा कि ये तुम्हारा काम है तुम इसको करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है हमारी CU, कंट्रोल यूनिट, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है, और थर्ड होती है हमारी स्टोरेज यूनिट जो सीपीयू में ही लगी रहती है। तो स्टोरेज यूनिट का काम आपको मैंने बताया, डाटा को स्टोर करना होता है अपने अंदर, इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करके रखता है। तो मेमोरी 2 टाइप्स की देती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, रैम और रोम दोनों सीपीयू में लगी रहती है, और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है हार्ड डिस्क वगैरह लगी तो वो भी सीपीयू में रहती है, लेकिन उसका यूज़ थोड़ा अलग हो जाता है। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो इनपुट किया, इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग कंप्यूटर ने इसको दे दिया, प्रोसेस यहीं पे करके रख लेगा इसका, ये जो रिजल्ट होता है उसको ये निकाल लेगा, उसके बाद डायरेक्टली रिजल्ट कहाँ देगा ये हमें आउटपुट पर 4 दिखाएगा आपको। तो ये मेथड है कंप्यूटर इस प्रकार आपका वर्क करता है आईपीओ साइकिल के थ्रू। जैसे अगर हमारे पास ये फैन है, फैन की अगर हम बात करें इसमें भी आईपीओ साइकिल लगेगी, आप देखो कैसे लगेगी, आपने स्विच प्रेस किया इलेक्ट्रिसिटी जाती है इसके अंदर, फैन के अंदर जाएगी ना, तो जान इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर गई तो वो उसके लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद ये प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने कैसे करेगा, ऐसे घूमेगा, उसकी प्रोसेसिंग होती रहेगी, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, फैन जो हमें एयर देगा। तो इस तरह से मोस्टली अधिकतर जो मशीन्स होती है वो इसी मेथड पे वर्क करती है, तो कंप्यूटर भी हमारा इसी मेथड पे वर्क करता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया ना? यस सर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट इसमें इनपुट डिवाइस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, आगे इसने देखो एक पूरा का पूरा ग्राफ दिखाया है बना के, ठीक है, दिखाई दे रहा है पीछे बच्चों को? यस सर। अब इसने क्या दिखाया है इसमें, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, सबसे पहले इसने इनपुट लिया, इनपुट डायरेक्टली कहाँ दिया है, हमारे सीपीयू में, और ये आउटपुट, ये तो सेम मैंने अभी अभी समझाया। तो डाटा जाएगा मेमोरी में सबसे पहले, देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, मेमोरी में जाने के बाद जिस टाइप का डाटा होगा उसी टाइप से कंप्यूटर में दे देते हैं,
तो ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। उसके बाद इसमें एडिंग दिया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं। द इनपुट डिवाइस आर अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम एंटर यूज डाटा इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी प्रोसेड एज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी डेटा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनपुट डिवाइस टू कन्वर्ट डाटा इन टू द बाइनरी फॉर्म स्टोरिंग इन टू द कंप्यूटर। तो देखिए, आप ये समझते हैं कि कंप्यूटर में हम इंग्लिश में लिखते हैं तो कंप्यूटर इंग्लिश समझता है, या फिर हम हिंदी में लिखते हैं तो कंप्यूटर हिंदी समझता है? नहीं समझता है। कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज जो होती है हमारी, मशीन से रिलेटेड, उसको ही समझता है। और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारे कंप्यूटर में दो यूनिट लगी रहती है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। एक तो होता है हमारा कंपाइलर, दूसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर, अगर हमने कोई प्रोग्राम दिया उसको एक साथ कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। जैसे मोस्टली आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक लैंग्वेज हो रही है पाइथन, उसका काम क्या होता है? उस लैंग्वेज के हिसाब से आप वेब डेवलपिंग कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बस कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने कोडिंग अच्छे से की तो आप कर सकते हो आसानी से। तो हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज को हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, हमारा भी लेवल नहीं है वहाँ। 11th क्लास में जब आप जाओगे, अगर कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपको वो लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। तो हमारा काम क्या है? हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने में जो हेल्प करते हैं, ये दोनों करते हैं। जो हमारी जो मशीन होती है सीपीयू, उसमें ये जो मदरबोर्ड होता है उसमें फिट रहते हैं। जैसे कि रैम और रोम, हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, देखा आपने, उसमें रैम रहती है। जैसा हम देखते हैं ना भाई, देखो भाई ये मोबाइल कौन सा है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। रैम क्यों चेक करते हैं हम? जिस कंप्यूटर की या फिर जिस मोबाइल फ़ोन की रैम जितनी ज़्यादा होती है, उसका काम करने का जो जो स्पीड होती है वो इतनी बेस्ट होती है, इतनी उसमें हैंगिंग प्रॉब्लम कम आती है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल के मोबाइल फ़ोन 8 GB रैम है अभी, कितनी खुश होके बताते हैं। लेकिन लेते समय मोबाइल को ये भूल जाते हैं कि जिस मोबाइल फ़ोन का 8 GB रैम है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना उसको कवर कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एंड्रॉयड फ़ोन में डलता है, तो सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड फ़ोन में रखने के लिए जगह तो चाहिए नहीं चाहिए भाई। हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर हम ऐप्स डालते हैं तो वो स्टोरेज लेगा या नहीं लेगा भाई? मोबाइल में अगर जाएगा तो स्टोरेज जगह तो लेगा ही वो। तो जब हम 8 GB मोबाइल फ़ोन, आज के समय में बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं, रेडमी रियलमी देख लेना, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपने फ़ोन की या फिर किसी दूसरे फ़ोन की, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे गूगल पे आप देखिएगा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन फ़ोन का 8 GB इंटरनल मेमोरी, 8 GB प्रोसेसिंग रैम सिस्टम पे वो काम करते हैं, CPU GPU नेचुरल इंजन प्रोसेसिंग होता है, और आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर आता है, MediaTek का आता है, बताते हैं ना कि हमारे में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इस 8 GB में ये मान के चलो आपके 2.5 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम लग जाता है उसमें, 2.5 GB, लगभग 6 GB बचता है आपके पास, इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम लग जाता है। अब आप देखो तो कंपनी वाले 3 कैमरे देते हैं, देखा है? यस सर। ऐसे और चलते कितने हैं? एक। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं वापस ही। हमारा काम था, हमारी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर में दो डिवाइस लगे रहते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अभी? नेक्स्ट ने कहा है कि कंप्यूटर बीइंग ए द वर्सटाइल मशीन टू कैपेबल द प्रोसेसिंग डिफरेंट फॉर्म लाइक डाटा टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड वीडियो etc वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड टू हैंडल ऑल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ डाटा फॉर्मेट।
तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अलग अलग फॉर्म्स में हम जिसमें डाटा देखते हैं और डाटा उसको देते हैं, वो डाटा किस टाइप से हो सकता है भाई? ये तो वो वीडियो हो सकती है, कोई पिक्चर्स हो सकती है ना, या फिर टेक्स्ट होता है, यानी कि हम लिख कर भी हम उसमें अपना डाटा डाल देते हैं। तो अलग अलग डिवाइस हैं यहाँ पर जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं। वो डिवाइस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमारे पास कीबोर्ड, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में सभी जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते हैं? फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज द वन ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस अटैच विद ए कंप्यूटर। इट इज यूज टू एंटर द टेक्सुअल डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, डिजिट एंड सिम्बल्स। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस डिवाइस है इनपुट डिवाइस कौन सा? कीबोर्ड, जिसका यूज हम कंप्यूटर में टेक्सुअल फॉर्म में यानी कि लिखकर डाटा को डालते हैं, चाहे वो लेटर्स हो ए बी सी, या फिर आपका डिजिट्स हो 0 to 9, या फिर आपका स्पेशल सिंबल हो, स्पेशल सिंबल आते हैं ना, एट द रेट, डॉलर, और आपका स्टार, मैथमेटिक्स के भी कुछ सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, इस तरह, ये सब हमारे स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? माउस। दिस इज द वन ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू वर्क द ग्राफिक्स एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर मूविंग द स्क्रीन। इट इज वर्क टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट एंड क्लिक। तो ये वर्क करता है पॉइंट एंड क्लिक पर। तो इसका काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या फिर उस ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक के साथ ओपन कर देना। तो माउस भी क्या है? हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई हमारे पास? स्कैनर। अब स्कैनर के बारे में जानते हो? स्कैन करना ही काम होता है स्कैनर का। ये भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, जो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स है हमारा, कोई भी पेपर्स है या फिर कोई इमेज है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में अंदर इनपुट कर देता है। तो इसका काम भी हमारा कंप्यूटर को डाटा देना ही होता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होती है जॉयस्टिक? ये बताएगा, हैंड ऊपर कर ले, बताओ। इसके बारे में पढ़ाया है, जो पढ़ाया वही बता। मेमोरी कार्ड नहीं है क्या? घर भूल गया। रैम कितनी है तेरी? रोबोट फिल्म देखी है ना, 2 GB स्पेस, CPU, वो सारी चीजें बताता है अपने। तुझे पता है अपने बारे में कुछ? जॉयस्टिक देखिए एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम वीडियो गेम जो होता है हमारा, जो कुछ मशीनें ऐसी होती है या फिर कंप्यूटर में भी ये लग जाती है, जिसका काम होता है गेम, जिसके थ्रू हम गेम प्ले करते हैं, गेम खेल लेते हैं जॉयस्टिक की हेल्प से। जैसे आप खेलते हो ना मोबाइल में, तो मोबाइल में तो जॉयस्टिक नहीं लेगी, लेकिन कंप्यूटर में जब हम गेम खेलते हैं तो हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। जॉयस्टिक है ना एक इनपुट डिवाइस है जो हमारा गेम प्ले करने में हेल्प करता है। पढ़ लेते हैं इसको। दिस इज द अनदर पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इट इज कंसिस्ट ऑफ द स्टिक माउंटेन ऑफ द स्पेशल बॉल at its base with the control the movements object with the movement of the stick. These are used to control the gaming object of the screen and also for controlling the assimilations because the flexible movement. देखिए इसमें एक हैंडल होता है, ठीक है। अगर आप उस हैंडल को फिजिकली, जैसे हमारा अगर हम गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर में कार रेसिंग का, अब कार रेसिंग हम खेल रहे हैं तो जो स्टिक में बटन्स भी होते हैं, देखो दिखा देते हैं आपको, इस टाइप की होती है। इसमें एक हैंडल होता है, अगर आपको लेफ्ट ले जानी है अपनी गाड़ी तो लेफ्ट में कर दीजिए इसको, राइट में ले जानी तो राइट में कर दीजिए, आगे ले जानी तो आगे कर देते हैं हैंडल को, पीछे ले जानी तो पीछे कर देते हैं। तो अलग अलग गेम में इसका अलग अलग यूज होता है। तो जो स्टिक का मोस्टली यूज हम माउस की तरह ही गेम खेलने में करते हैं। कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनको हम माउस से भी खेल सकते हैं, कुछ ऐसे गेम हैं जिससे हम कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं। जिसके घर में लैपटॉप होगा या फिर कंप्यूटर होगा, उसने कुछ बच्चों ने खेला भी होगा। हाँ, गियर की तरह, जैसे हमारी जो गाड़ी होती है ना, रियल वाली गाड़ी, उसमें गियर होता है, इस टाइप की जॉयस्टिक होती है। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास इनपुट डिवाइस में? गेम पैड। ए गेम पैड यूज्ड व्हाइल प्लेइंग गेम्स। इट इज हेल्ड टू हैंड्स एंड थंब्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट डिवाइस।
ये हमारा गेम पैड है, देखा है रिमोट जिसको बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसका यूज भी किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कहते हैं माइक को। जैसे कि हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, माइक पे क्लिक करते हैं और बोल देते हैं। बोल देते नहीं, जो हम बोलते हैं वो हमारे मोबाइल में इनपुट हो जाता है और उसी को सर्च कर देता है हमारा गूगल। तो वो भी हमारा जो माइक्रोफोन है, जो माइक्स होता है हमारा, जैसे कि ये मेरे पास है, इसको ब्लूटूथ लीड बोलते हैं, लेकिन इसमें माइक लगा हुआ है और मेरी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रही है, इनपुट हो रही है और वो डायरेक्ट वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तो इसलिए हम इसको माइक्रोफोन को हम इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं। ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। इसको देख लेते हैं, द इनपुट डिवाइस इज यूज टू सेंड साउंड इनपुट टू द कंप्यूटर। यानी कि ये साउंड को इनपुट करता है और कंप्यूटर को सेंड कर देता है। इट इज द रिसीव द साउंड वेव्स एंड कन्वर्ट देम टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो साउंड्स को ये रिसीव करता है, उनको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करके कंप्यूटर को भेज देता है। इनटू द डिजिटल फॉर्मेट विच कैन बी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। इन द कंप्यूटर इट इज द कनेक्ट टू द मदरबोर्ड थ्रू द स्पेशल हार्डवेयर कॉल्ड द साउंड कार्ड। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द साउंड साउंड इफेक्ट एंड ऑल्सो वर्क विद द साउंड रिकॉग्निशन सिस्टम। तो देखिए, आपको लगता है कि कंप्यूटर जो है हमें, जब हम कंप्यूटर में म्यूजिक प्ले करते हैं तो स्पीकर के थ्रू हमें म्यूजिक सुनाई देते हैं, या फिर किसी भी डिवाइस में ले लीजिए आप, अगर आप घर में होम थिएटर यूज़ कर रहे हैं उसको ले लीजिए, कि हमें म्यूजिक सुनाई देता है। लेकिन वो ऐसे नहीं हो जाता, कंप्यूटर में उसके लिए साउंड कार्ड लगा रहता है। अगर साउंड कार्ड कंप्यूटर का ख़राब हो जाए, बाई चांस आपने देखा भी होगा कुछ कंप्यूटर म्यूजिक प्ले हो जाता है लेकिन वो आपको आउटपुट नहीं दे पाता, साउंड आपको नहीं आती है, तो ये कंप्यूटर जैसे बोल देते हैं कि कंप्यूटर ख़राब है। नहीं, कंप्यूटर ख़राब नहीं होता, केवल उसका साउंड का जो साउंड देने वाला जो कार्ड होता है वो ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो हमारे पास, हाँ बिल्कुल, दूसरा चेंज हो जाता है, इतना सा तो होता ही है, वो जितना तुम्हारा डस्टर लगभग इतना बड़ा होता है साउंड कार्ड, अटैच रहता है सीधा। तो साउंड कार्ड, ये जो हमारा माइक्रोफोन है ये वर्क करता है साउंड कार्ड की हेल्प से। हमारे मोबाइल में भी साउंड कार्ड लगा है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, लाइट पेन। अब देखिए, लाइट पेन की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने माउस और जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा, इनपुट करता है, लाइट पेन क्या होता है, अगर आप लाइट पेन कंप्यूटर से जोड़ देंगे, ये कंप्यूटर से जुड़ जाता है, जैसे हमारा माउस कंप्यूटर से जुड़ता है, हमारा कीबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ता है, जॉयस्टिक हमारे कंप्यूटर से जुड़ती है, लाइट पेन भी ऐसे जुड़ता है। लाइट पेन जुड़ने के बाद डायरेक्टली आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चाहो वो बना सकते हो। लाइट पेन आपके हाथ में होगा, जैसे मेरे हाथ में चौंक, और आपकी स्क्रीन सामने है, जैसे कि आपने उसमें भी देखा होगा, आजकल तो अलग अलग क्वालिटी की लाइट पेन है, वीडियो देखते हैं, जैसे यूट्यूब पर कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं तो अपनी स्क्रीन पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं ऐसे, और उसको फिर साफ कर देते हैं, तो वो लाइट पेन का ही कमाल होता है। आपका लाइट पेन, अब तो ब्लूटूथ वाले लाइट पेन आ गए, नहीं उसमें डिलीट का बटन होता है नीचे स्क्रीन पे, आप जो भी आएगा उसको डिलीट कर दे, वो डिलीट हो जाता है। तो लाइट पेन का यूज क्या है, एक इनपुट डिवाइस है लाइट पेन भी, जिसका यूज हम डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉइंग बनाने के लिए करते हैं, या फिर सिग्नेचर अगर हमें करने हैं डिजिटल सिग्नेचर, जैसे हमारे उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंट आउट आप लेना नहीं चाहते हैं, डिजिटली सिग्नेचर करते हैं, तो लाइट पेन का यूज करके हम डायरेक्टली कंप्यूटर में ही स्क्रीन पर साइन कर सकते हैं और वह हमारे उस डॉक्यूमेंट में सबमिट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया हमारा डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम। तो ये भी हमारा एक इनपुट कैटेगरी में ही आता है। क्या हुआ, कोई बात नहीं, डिजिटल कैमरा और वेब कैम, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आपने देखा, तो कैमरे में क्या होता है, हमारी आवाज और हमारी वीडियोस दोनों रिकॉर्ड होती है, और वो रिकॉर्ड कहाँ होती है, हमारे कंप्यूटर में होती है, इसलिए कैमरे को भी हम इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही डियर स्टूडेंट्स, बाकी देखते हैं कल।